नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में तेरा फरवरी बड़ा रविवार शुर को जल देने वाले लोटे में डाल लें ये एक चीज सात पुश्ते तक करेगी राज दोस्तों शुर को सर्वती साक्षी भूतम कहा गया है सब कुछ देखने और सुनने वाले देव शुर जो प्रत्यक्ष देव हैं और उनको नित्य दिन जल अर्पित किया जाता है उनकी पूजा की जाती है लेकिन सूर्य को अगर आप जल देते समय कुछ विशेष वस्तु अर्पित करें तो हमारी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने का विशेष विधान भी है धार्मिक दृष्टि से तो हम सूर्य को जल देते ही हैं लेकिन इसके फायदे भी बहुत होते हैं और आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे देखिए सूर्य जो पिता के कारक हैं आत्मसम्मान के कारक हैं मान सम्मान के कारक हैं और सुख समृद्धि देने वाले ग्रह हैं और अगर सूर्य को जल आप सही तरीके से दें तो कुंडली के सारे दोष भी समाप्त हो जाते हैं शूर का दिन है रविवार और आज रविवार का दिन है रविवार के दिन अगर विशेष वस्तु का दान करें तो आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं देव की जो लोग पूजा करते हैं उपासना करते हैं उनके जीवन में शत्रु विरोधी उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। क्योंकि वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सूर्यदेव की पूजा से भाग्य में राजयोग भी बनता है तो अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए एक बात सबसे पहले जान लें कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय हमेशा तांबे के ही लोटे का यूज करें क्योंकि तांबे के पात्र से अगर आप जल देते हैं तांबा शोर का कारक है इसके फल भी आपको कई गुना अधिक मिलते हैं भूल भी स्टील का बर्तन यूज ना करें प्लास्टिक का बिल्कुल यूज ना करें वैसे तो आपके पास नहीं है तो आप दे सकते हैं लेकिन कोशिश करें तांबे का ही बर्तन यूज करें सूर्य को जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो उसके विशेष प्रयोग होते हैं विशेष तरीके होते हैं सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले आप उठें और स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें इसके बाद जब सूर्य उदय हो रहे हों तब जल दे दें तो अच्छा होता है अब एक बर्तन में जल ले लें थोड़ी सी मिश्री डाल लें सूर्य को मीठा जल देने से कुंडली में अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं अशुभ दोष नष्ट हो जाते हैं मिश्री डालकर जल अर्पित करते हैं तो मंगल वाला जो समस्या है जैसे कि रक्त की जो समस्या है पारिवारिक जीवन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है अगर आप चाहते हैं कि जीवन में खूब धन मान सम्मान यश बढ़ता रहे तो रविवार के दिन एक बरगद का पत्ता ले लें उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और इसको धूप दीप दिखाएं फिर अपने घर में सुरक्षित रख लें तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है सूर्यदेव को अर्घ देते समय आपको एक मंत्र भी जाप करना चाहिए वह मंत्र है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र को जप करके सूर्य को जल अर्पित करें और जल में आप काला तिल डाल के सूर्यदेव को जल अर्पित करें या फिर थोड़ा सा हल्दी डाल के आप सूर्य को अर्पित करें तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है शूर को जल देने वाले लोटे में एक चुटकी काला तिल डाल के सूर्य को जल अर्पित करें तो सात पुस्त तक रुपए पैसों में करती है राज आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है या फिर आप शूर को जल देते समय लोटे में एक चुटकी हल्दी डाल लें और आप अंजलि के सहारे चारों तरफ आप छिड़काव करें फिर पूरे पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूर्य की तरफ खड़े होकर पूरा जल अर्पित कर दें और सूर्य को नमस्कार करें उनसे प्रार्थना करें और तीन बार परिक्रमा करें तो आपकी विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है पौराणिक कथाओं में सूर्य उपासना का काफी महत्व है सूर्यदेव को रोज जल अर्पित करने से जीवन में मान सम्मान बढ़ता है आपका यश बढ़ता है कीर्ति बढ़ती है आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मन भी काफी मजबूत होता है लेकिन आज तेरह फरवरी रविवार के दिन सूर्य को जल अर्पित करते समय सूर्य के लोटे में अगर आप थोड़ी सी हल्दी या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा सिंदूर भी आप या फिर चाहें तो लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्पित करें तो आपके यश मान सम्मान में वृद्धि होती है धन में वृद्धि होती है लाभ भी होता है शीघ्र धन प्राप्ति के लिए सूर्य को जल देते समय जल वाले लोटे में एक जारा लाल मिर्च डाल के सूर्य को जल दें तो अतिशीघ्र धन की प्राप्ति होती है और कई पुश्तों तक धन की कमी नहीं आती है धन का लाभ ही लाभ होता है दोस्तों सूर्य को जल अर्पित करते समय आप उनकी प्रार्थना और उनके स्रोतों का उनके मंत्रों का जाप जरूर करें तो विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जय सूर्यदेव